सो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरे साथ खड़ी है कावासाकी निंजा 400 BS6 2023 न्यू कलर स्कीम, जिसको मार्केट में कंपनी ने दोबारा उतारा है। तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे थे कि जेडी भाई, जैसे ही शोरूम में आएगी तो भैया सबसे पहले वीडियो बनाइए, हम इस बाइक को कैसे खरीद सकते हैं लोन EMI पे। तो वीडियो पेश है आप सबके लिए। तो करना क्या है, वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन को कॉमेंट कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन को बताओ नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है। सो मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो प्यारे भाइयों, कावासाकी ने निंजा 400 BS6 2023 को मार्केट में दोबारा उतारा है और ये CBU आ रही है, मतलब कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट, थाईलैंड से बनके पूरी फुली इंपोर्ट बाइक है ये। दो कलर्स में आ रही है। तो 2018 में सबसे पहले ये बाइक आई थी, उसके बाद 2020 में ये इसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा कंपनी ने इसको बाज़ार में उतारा है एज BS6। एंड बाइक को ख़रीदने के लिए आप सबसे पहले दो तरीके होते हैं, या तो आप लोन पे ले लीजिए या आप कैश डाउन पेमेंट पे ले लीजिए। तो लेने के लिए सबसे पहले आपको कीमत जानना ज़रूरी होता है बाइक की। तो जो निंजा 400 BS6 2023 की जो एक्स शोरूम प्राइस है, दैट इज़ 4,99,000 रुपीज़, 4,99,000 एक्स शोरूम है। और ऑन रोड दिल्ली में इसकी प्राइसिंग है 5,70,000, 5,70,000 एक ऑन रोड दिल्ली में इसकी कीमत है। बाइक को ख़रीदने से पहले तो आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। बाइक का जो बुकिंग अमाउंट है, दैट इज 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये दे के आप बाइक को बुक करवा सकते हैं शोरूम में। और हम कावासाकी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और बाइक करंटली इज ऑन बुकिंग, रेडली अवेलेबल नहीं है डिलीवरी के लिए। वेटिंग पीरियड तकरीबन 10-12 दिन का लगा के चलिए, क्योंकि पुणे फैक्ट्री से आने में तकरीबन 7-8 दिन वैसे लग जाते हैं प्रोसेसिंग में, तो भाई 10 दिन का लेके चलिए। एंड करंटली इस बाइक के ऊपर देर इज नो डिस्काउंट बीन ऑफर्ड बाय कावासाकी कंपनी, कोई डिस्काउंट नहीं है। बट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्कीम्स वगैरह आती जाती हैं, तो आप शोरूम वालों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 30,000 किलोमीटर्स मिलते हैं इस बाइक के ऊपर कंपनी की तरफ से। बाकी वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है आप शोरूम से पूछ लीजिए, आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो जब आप बाइक खरीदते हैं तो मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है। तो भाई पहली सर्विस बाइक की होती है 1,000 किलोमीटर्स और 1 मंथ, उसके बाद 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ्स का टेन्योर ऐसे चलता है। एंड जो सर्विस का खर्चा तकरीबन जो आएगा इसका तकरीबन 5,500 अगर आप कावासाकी इंजन ऑयल लेते हैं, और अगर आप दूसरा वाला लिक्विंग वाली और या मोटर का डलवाएंगे तकरीबन 500-700 रुपये और लेकर चलिए, वो खर्चा हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाइक जो है CBU है, थाईलैंड से इंपोर्ट होकर आ रही, दैट्स दी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक। अभी तक मेरे को इस बाइक को चलाने का मौका नहीं मिला, बट मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको चलाएंगे, रिव्यू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप बाइक को दो तरीके से खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक को आप कैश डाउन पेमेंट पे कैसे लेंगे। कैश डाउन पेमेंट पे लेने के लिए बाइक को सबसे पहले आपको बुक करवाना पड़ेगा, 50,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट, और अप टू 2 लाख रुपीज़ शोरूम वाले कैश एक्सेप्ट करते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और उसके बाद जो बैंक ट्रांसफ़र है, किस मोड में लेना मांगेंगे वो शोरूम से आप पूछ लीजिए। एंड बाकी जब आपकी पूरी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, पेमेंट दे देंगे, बाइक की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। सो अब आते हैं बाइक को आप लोन EMI पे कैसे लेते हैं। तो लोन EMI पे लेने के लिए तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इनकम प्रूफ के, वो सबमिट करने होते हैं ताकि आपका लोन प्रोसेस हो सके। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। बट ये है कि लोन अप्लाई करने के लिए जो आपका सिबिल स्कोर है 750+ है तो बहुत अच्छा है, और इनकम जो है आपकी 6 लाख रुपीज़ तक की अप्रॉक्सीमेटली तो बहुत अच्छा है। एंड 80% तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अगर आपकी सिबिल स्कोर या इनकम ज़्यादा है तो भाई लोन ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, स्टिल यू वांट टू बाय द बाइक, तो सो देयर इज अनदर वे, दैट इज़ कॉल्ड को एप्लीकेंट और को हायरर। उसमें क्या होता है, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनकी भी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में लग जाते हैं। एंड देन व्हेन बैंक चेक्स द फाइल, पूरी स्क्रूटनी करता है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द बैंक टू अप्रूव और डिसअप्रूव द लोन। अगर आप कहते हैं कि मैं लोन शोरूम से नहीं कराना मांगता, मैं अपने आप लोन करवाना मांगता हूँ, येस देर इज़ अ वे कॉल्ड सेल्फ लोन। अब लोन करवाइए तो सबसे पहले तो आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा। तो जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन करवाएंगे उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको शोरूम में देना पड़ेगा, जिस भी अमाउंट का लोन होगा तो वो देंगे। और जो बैलेंस अमाउंट बचती है, मतलब जितने का भी आपका लोन पास हुआ है और जो आपका बुकिंग अमाउंट के बाद का बचता हुआ अमाउंट है, वो आप शोरूम में सबमिट करेंगे। मतलब जब शोरूम के पास आपकी पूरी पेमेंट आ जाएगी अकाउंट में, उनका जो आपका डिमांड ड्राफ्ट के पैसे भी आ जाएंगे और बाकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी उनके अकाउंट में आ जाएगी, तब शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। अब मेरे को जरूर पूछो कि जेडी भाई डाउन पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। डाउन पेमेंट यार आपसे पूछ के ही बनाते हैं,
शोरूम वाले कि भाई आप कितना पैसा एडवांस देना मांगते हो, कैसे हुआ क्या चीज़, तो मैंने जो आगे आपको ईएमआई बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ, तो वो एक स्टैंडर्ड बेसिक इंटरेस्ट रेट पे बनाई हुई है, ताकि सिर्फ जस्ट टू गिव एन आइडिया टू यू कि कितना आपका लोन हो सकता है और आपकी कितनी ईएमआई जाएगी, दैट्स दी आइडिया। तो अगले शॉर्ट में आप डॉक्यूमेंट्स देख लेना क्या क्या चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। ऊपर होगा सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और नीचे होगा बिजनेस वाले के लिए। तो करना क्या होगा, पॉज करके उसका स्क्रीन शॉट लेना ताकि आपको पता चले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में आप पूरा एक ईएमआई चार्ट देख लीजिए, पूरा का पूरा बनाया हुआ है। टेन्योर 5 साल तक का है, पूरी ईएमआई बनाई हुई है 2 लाख से 7 लाख तक की अप्रॉक्सीमेटली, मैंने ज़्यादा ही बनाई है, आपको खर्चा पता चल जाएगा जस्ट। और जो लोन अप्लाई होता है कावासाकी ओरम पे, दैट इज़ फ्रॉम HDFC, IDFC और बैंक ऑफ इंडिया से। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ऊपर जो है दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम कर लीजिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे भाइयों, ये मैंने चार्ट तैयार किया हुआ है लोन ईएमआई का, यहाँ पर टेन्योर है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये पूरी ईएमआई बनाई हुई है। ऊपर अमाउंट है 2 लाख से 7 लाख तक। तो करना क्या है, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब आपको पता चल जाए कि आपका कितना लोन आप करा रहे हो और कितना आपको खर्चा हुआ। तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले। प्यारे भाई, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि जो आपने लोन ईएमआई बताई है वो थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि प्यारे भाई, जस्ट टू गिव एन आइडिया, क्योंकि हर बैंक का हर स्टेट में इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग होता है, क्योंकि स्कीम्स बहुत आती जाती हैं। तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप कितने का लोन कराया गया, आपका कितना खर्चा होगा, एंड तो आपको ये भी पता चल जाएगा जितने का भी आप लोन करवा रहे होंगे और आपकी बाकी बैलेंस अमाउंट जो है आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, सो प्लीज़ डोंट कोट मी रॉन्ग एनी। So, मेरे प्यारे भाई, छोटा सा वीडियो बनाया है ऑन कावासाकी निंजा 400 BS6 2023 न्यू कलर स्कीम, जो शोरूम में अवेलेबल हुई है मार्केट में, जिसको दोबारा उतारा है कावासाकी ने। ये जो लोन ईएमआई का वीडियो आप सबके लिए बनाया है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन को कॉमेंट कर देना। जो भाई लोग लेना मांग रहे हैं बाइक, उनको तो जरूर शेयर करिए ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आइडिया आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।